अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है कैसर बास और आप देख रहे हैं क्यू आर क्यू टीवी। क्या आपको पता है कि अगर एक एयरप्लेन बादलों के अंदर से जा रहा है और लाइट ने उसे स्ट्राइक कर दिया, यानी कि बिजली इसको टच कर जाए तो क्या होगा? लाइटनिंग यानी कि बिजली मगर नेचर की बहुत बड़ी फोर्स में से एक है। लाइटनिंग स्ट्राइक जो होता है वो सूरज की सतह से भी 6 गुना ज़्यादा गर्म होता है, और जब लाइटनिंग हो ना तब ऊपर आसमान में कान को फाड़ देने वाला साउंड पैदा होता है। जब लाइटनिंग क्रिएट होती है तो इसके आसपास हवा और बादल में गर्मी पैदा हो जाती है। यह ऊपर एकदम धमाका होता है जो कि कान को फाड़ देने वाला साउंड पैदा करता है। तो क्या लाइटनिंग प्लेन को जब स्ट्राइक करती है तो उसके बाद क्या होता है? क्या प्लेन पूरा का पूरा काला हो जाता है, या प्लेन टूट जाता है, या प्लेन ख़राब हो जाता है? जबकि रियलिटी ये है कि प्लेन के आसपास जब बिजली क्रिएट होती है इससे प्लेन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सरप्राइजली बिजली प्लेन का कुछ नहीं उखाड़ पाती। मगर कैसे? पहली बात तो ये है कि सिक्योरिटी रूल्स पायलट को अलाउ ही नहीं करते कि वो प्लेन को उस रूट से लेकर जाए जहाँ पर लाइटनिंग हो रही हो, और अगर उतरते वक्त मौसम ख़राब भी हो जाए तो प्लेन अपना रूट डाइवर्ट कर देता है। कभी कभी कई किलोमीटर उसे मुड़ना पड़ता है ताकि प्लेन को वो लाइटनिंग से या वहाँ ख़राब मौसम से बचा सके। और अगर प्लेन को कुछ होता नहीं तो उसे डाइवर्ट क्यों किया जाता है? डाइवर्ट इसलिए किया जाता है कि ये एक अच्छी प्रैक्टिस है बिना किसी टेंशन के सफ़र को कम्प्लीट किया जाए। और दूसरी रीज़न इसकी ये है कि टर्बुलेंस, हवा के तेज़ तूफान में प्लेन बहुत हिलता जुलता है, वाइब्रेशन पैदा करता है, कैबिन में से बैग्स ऊपर से पैसेंजर्स पर गिरना शुरू हो जाते हैं। टर्बुलेंस ना हो इसलिए उसे एरिया को अवॉइड किया जाता है भले उसे कितना भी दूर जाना पड़े। प्लेन का बॉडी एल्यूमिनियम का बना होता है, उसमें कॉपर फ्यूल की लेयर भी होती है जो कि प्लेन को लाइटनिंग से बचाता है। प्लेन के इंटीरियर और केबल सिस्टम में कॉपर मैशेस होते हैं जो कि लाइटनिंग स्ट्राइक होने पर प्लेन को बचाते हैं। सूरज की सतह का दर्जा हरारत 5504 सेल्सियस है और बिजली का टेम्परेचर 29726 सेल्सियस है, यानी कि इतना ज़्यादा। और जब ये प्लेन को हिट करता है तब भी प्लेन को कुछ नहीं होता। इससे ये पता चलता है कि हमारी टेक्नोलॉजी कितना एडवांस हो चुकी है। That's really amazing. Please हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।